कैपिलैरिटी का मतलब है कि आप एक पतली सी ट्यूब लें और पतली सी ट्यूब किसी लिक्विड में डालें, जैसे पहला आपने वाटर लिया, दूसरा आपने मरकरी लिया, तो आपने एक पतली सी और थोड़ी मोटी ट्यूब ली, पानी में डाली, तो ये जो लिक्विड है वो थोड़ा राइज कर जाता है इस ट्यूब में, ऊपर उठ जाएगा अपने आप, कोई मोटर नहीं लगी हुई, अपने आप ही उठ जाएगा। जितनी पतली ट्यूब होगी उतना ही ऊपर उठेगा वो, तो ये ज़्यादा उठा हुआ है, ये कम उठा हुआ है। मरकरी के केस में वो नीचे गिर जाता है, ऊपर नहीं उठता, मरकरी नीचे गिरती है, मतलब नीचे गिरने का मतलब आपने और मरकरी ऊपर से डाल दी कि चलो शायद लेवल उठेगा, उठना तो क्या था, नीचे से गिर के कंटेनर में ऊपर उठ गई, ट्यूब में नीचे फॉल करती है, मरकरी नीचे फॉल करती है। क्यों करती है मैं मैथमेटिकली बताऊंगा क्यों करती है। मरकरी फॉल करती है, पानी राइज करता है। क्यों करता है आज इसका अभी हम देखने वाले हैं, पर इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। तो द फिनोमिना ऑफ राइज या फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी बोलते हैं। और मैंने ये बता दिया आपको प्रेशर के सारे गेम, बस ये नहीं बताया था, बताने जा रहा हूँ कि जो प्रेशर है, अगर फ्लैट सरफेस है तो प्रेशर क्या होगा, सेम। जो ये सरफेस है यहाँ पर प्रेशर पी एटमोसफेयर है, यहाँ कम होगा, अब कम कितना होगा वो आप बता सकते हैं, हमने एक्सेस प्रेशर कर दिया बाय 2T/R। 2T/R क्यों, क्योंकि एक फ्री सरफेस है एयर और लिक्विड की, तो एक की वजह से 2T/R। ऐसे यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा है बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R। इसमें कैपिटल आर ट्यूब का रेडियस नहीं है, मैं बता दूं मेनिस्कस का रेडियस है। मेनिस्कस का रेडियस क्या होता है, मेनिस्कस का ये रेडियस, ये मेनिस्कस है, इमेजिन करें कि ये एक गोल स्फीयर बन गया, ये रेडियस है कैपिटल आर, ये ट्यूब का रेडियस नहीं है, ट्यूब का ये रेडियस है, ये नहीं लिया कैपिटल आर। जैसे इसमें मनिस्कस ऐसे बनेगा, तो ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट ड्रॉप्स के लिए और बबल के लिए किए थे, तो हमने पूरा ड्रॉप और पूरा स्फेयर लिया था, तो ये कैपिटल आर उस मनिस्कस का रेडियस है, ट्यूब का रेडियस नहीं है, याद रखना। इसको यूज कैसे करना है अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको मनिस्कस को, बट ये रिजल्ट याद रहेगा सबको।